भरतपुर में व्यापारी पर फायरिंग कर जेवरात टूटने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ कर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से कई हथियार और बाइक भी बरामद की है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं व्यापारियों ने 3 दिन में लूट के मामले का खुलासा करने पर भरतपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। मामले में IG रुपिंदर सिंह ने बताया है कि चिकसाना थाने इलाके के जंगलों में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें SI के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। वहीं बाल बाल बचे हैं SI। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों का इलाज RBM अस्पताल में जारी है। पकड़े गए दोनों बदमाश मथुरा के मांड के रहने वाले हैं। वहीं SP मृदुल कछावा ने बताया है कि मामले की जांच ASP मुख्यालय को दी गई है। जल्द ही व्यापारी और लोगों से बात कर थाने की सीमाओं को लेकर भी बात की जाएगी। सराफा बाजार भरतपुर में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा गोली चला के लूट करने का प्रयास किया गया था। इसमें कुल 4 बदमाश लिप्त थे। एक को मौके पर पकड़ लिया गया था, बाकी फरार हो गए थे। इस केस का सफलतापूर्वक खुलासा करके भरतपुर पुलिस द्वारा कल रात में 2 बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनकी सूचना जंगलों में छुपे होने की थी। उसके ऊपर उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। इसको जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया है। लगातार राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय और हमारे DG साहब इस बात को दोहराते आए हैं हाल में कि अपराधियों द्वारा अगर फायर किया जाएगा तो विधि की परिधि में रहते हुए पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर हमारी टीम में, DSC टीम हो चाहे हमारी बाकी पुलिस हो, सभी ने साहस से, वीरता से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और आगामी समय में भरतपुर पुलिस IG साहब के मार्गदर्शन में सबकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा भी जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, 28 तारीख को यह पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके तुरंत बाद भरतपुर पुलिस ने अपनी टीमों का गठन किया और टीम में गठित करने के बाद तीसरे दिन आरोपियों को पकड़ लिया गया। आज जो भरतपुर रेंज के IG हैं रुपिंदर सिंह और भरतपुर जो SP हैं मृदुल कछावा, वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि 2 जो बदमाश थे उनकी इत्तला थी कि वो इस जंगलों में छुपे हुए, तो पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन बदमाशों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें जो SI थे मनीष शर्मा, उन पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी उस पर गोली लगी। हालांकि वो बाल बाल बच्चे हैं, जिसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई। 2 बदमाश हैं जिनके पैरों में गोली लगी है और उन्हें उपचार के लिए RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बड़ी घटना भरतपुर में व्यापारियों में रोष का बड़ी घटना हुई थी, जिसको लेकर तुरंत प्रभाव से भरतपुर की टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को लेकर भरतपुर पुलिस को शाबाशी जो है वह DGP ने भी दी है, और जो भरतपुर पुलिस ने अच्छा काम 3 दिन के अंदर जो आरोपी को पकड़ लिया उसको लेकर तारीफ भी की। लेकिन बड़ी बात है कि एक बदमाश अभी फरार चल रहा है। भरतपुर SP जो है मृदुल कछावा का कहना है कि उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रवि, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब से घटना हुई थी 3 दिन से जो व्यापारी है रोष जता रहे थे, गुस्सा था पूरी घटना को लेकर के। ऐसे में अब क्या कह रहा है व्यापारियों का? देखिए, व्यापारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री भरतपुर दौरे पर है, उसके चले अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो वो विरोध जताएंगे। हालांकि व्यापारियों में 2 वर्ग बिल्कुल थे। एक वर्ग कह रहा था कि पुलिस पर विश्वास रखा जाए, पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है तो इस आश्वासन पर वो खड़े उतरते तो ठीक है। लेकिन दूसरा वर्ग ने कल बाजार बंद कर बाइक रैली निकाली, जिस पर भरतपुर पुलिस के जो SP है उन्होंने आश्वासन दिया कि थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो बदमाश जो है उनको जल्द पकड़ लिया जाए। और देर रात करीब 12:30-1 बजे के करीब पुलिस ने जो जंगल है चिकसाना के बिलोटी के गांव के, वहां जंगलों में रात को इत्तला मिली कि जंगल में वो छुपे हुए, और रात को उन्होंने जवाबी मुठभेड़ फायरिंग में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।